नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज से एक फॉर्मेट चेंज हो रहा है मेरे वीडियोस का जो जहां पे मैं दो म्यूचुअल फंड्स का वीडियोस बनाता था और एक स्मॉल का वीडियोस बनाता था तो टोटल तो तीन वीडियोस आते थे पर डे लेकिन मेरा ऑफिस का, का काम बहुत बढ़ रहा है तो आइंदा से मैं तीन वीडियोज नहीं बना पाऊंगा तो इसके कारण दो वीडियोज बनाऊंगा वन म्यूचुअल फंड एंड वन स्मॉल तो दोनों म्यूचुअल फंड्स का वीडियोस मैं एक ही साथ क्लब कर रहा हूँ आइंदा आगे जाके तो एक ही वीडियोस आएगा म्यूचुअल फंड का और एक वीडियो आएगा स्मॉल का तो दोनों जो मेरे पोर्टफोलियो है दोनों ही का दोनों का ही शेयर करूंगा मैं एक ही वीडियो में तो शुरू करने से पहले कुछ न्यूज देख लेंगे ताजा फ्रेश न्यूज फ्रॉम स्टॉक मार्केट देन आई शेयर माई पोर्टफोलियो देन आई डू दे पोर्टफोलियो रिव्यू ऑफ ए व्यूअर एंड लास्ट में कुछ कमेंट्स ले लेंगे तो पहला आज का न्यूज़ है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का बोल रहे हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पहले मेजगॉन टॉक का बताया था कि काफी डाउनसाइड आएगा अभी गार्डन रिच का बता रहा है कि 72 टू परसेंट डाउन आ सकता है जो कि पहले 122 परसेंट रैली दे चुका है लास्ट ईयर तो एकदम आई सिक्योरिटीज डिफेंस स्टॉक्स के पीछे पड़ा हुआ है लग रहा है कि एक बार मेजगॉन टॉक का बता रहा है एक बार गार्डन रिच का बता रहा है यही पर आज ये कल का न्यूज़ है सेकेंड ऑफ सेप्टेम्बर और कल ही में एक और भी न्यूज आ चुका है ये वाला न्यूज है डिफेंस स्टॉक्स इन फोकस एस डिफेंस मिनिस्ट्री टू कंसीडर अप्रूव प्रोजेक्ट्स वर्थ रूपीज वन लाख करोड़ तो ऐसे ऐसे जो सिक्योरिटीज़ का रिपोर्ट था उसके बाद एक दिन भी हुआ नहीं है नेक्स्ट दिन ही मैसगन डॉक्स एच एल भारत डायनामिक्स कोचिन शेपर सभी स्टॉक जो भी डिफेंस डिफेंस के सारे स्टॉक्स थे सभी पाँच परसेंट से ऊपर भाग चुके हैं तो उसका कोई रिपोर्ट का कोई इफेक्ट ही नहीं आया क्योंकि उस रिफेक्ट को ना नालीफाई कर दिया है ये वाला रिपोर्ट ने जो अप्रूव जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वो रुपए वन लाख करोड़ का ऑर्डर बुक तो ये बेहतरीन न्यूज़ है हर एक डिफेंस स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है बहुत ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है अभी तो अगर आपके पास अगर डिफेंस स्टॉक्स है तो काइंडली होल्ड कीजिए मेनली एच एल स्टॉक एच एल स्टॉक का बता रहा है कि अराउंड सिक्स थाउजेंड प्लस जा सकता है इन द फ्यूचर तो एच एल का एच एल तो बेहतरीन कंपनी है ही है, इसका जो अर्निंग्स है और जो पी रे, रेशियो है वो आराम से बैलेंस बैठ रहा है एच एल का बाकी सबका ज्यादा पी रेशियो है कंपैरेटिवली टू देयर अर्निंग्स बट एचएल इज अ वेरी गुड शेयर इफ़ यू हैव इन योर पोर्टफोलियो प्लीज प्लीज टू होल्ड इट अच्छा नेक्स्ट खबर है स्टॉक्स एट रिकॉर्ड हाई टीसीएस इंफोसिस आईटीसी एचसीएल टेक ये सब हाई अपना 52 वीक्स हाई हिट किया है तो टीसीएस इंफोसिस एचसीएल टेक ये सब तो बनता है क्योंकि रेट कट का अनाउंसमेंट हो चुका है कि रेट कट होगा और एक्चुअल रेट कट जब होगा 25 बेसिस पॉइंट्स का जो डिस्काउंट कर चुका है मार्केट 50 बेसिस पॉइंट्स का जब बताएगा कि डिक्लेअर जब होगा अगर 50 पॉइंट्स बेसिस पॉइंट्स कट हुआ तो बेहतरीन रैली देख सकते हैं हम लोग का आईटी सेक्टर में तो तो आईटी म्यूचुअल फंड्स और आईटी स्टॉक्स इज वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर राइट नाउ गोइंग फॉरवर्ड कल का निफ्टी 50 रिकॉर्ड हाई पे एंड किया है फिर से 13 कंसेक्यूटिव सेशन में एंड किया है ऑन द ऑन द ग्रीन और वही पर मिडम मेडा स्मॉल कैप का थोड़ा नीचे था नेक्स्ट खबर में चलते हैं प्रभुदास लादर जो इक्विटी फार्म है बता रहा है कि निफ्टी टू हिट 26,820 इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में 26,000 हम लोग तो सोच रहे थे कि आ, साल के एंड होते होते 26,000 पहुंच जाए ये बहुत बड़ी बात है लेकिन ये बता रहा है कि इन द 12 मंथ्स 27,000 के नियर नियर बहुत पहुंच सकता है तो एच डी एफ सी बैंक और आई टी सी को रिमूव कर दिया टॉप पिक्स में टॉप पिक्स को बताया था पहले कि एच डी एफ सी और आई टी सी टॉप पिक्स हो सकता है लेकिन अभी ऐड किया इंडसेंट और इंडिगो को इंडिगो एक अच्छा स्टॉक है एविएशन सेक्टर में आ, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर रखता है वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है एविएशन सेक्टर में तो ये मोनोपोली है बेसिकली इंडिगो का इन एविएशन सेक्टर तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं अच्छा अभी एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेंगे शर्मा वरुण का पोर्टफोलियो है प्लेस रिव्यू में पोर्टफोलियो फाइव थाउजेंड पर फोर थाउजेंड एच डी एफ सी मिड कैप है थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एच डी एफ सी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है जो कि लार्ज एंड मिड है एल एन एम टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टाटा कैप फिफ्टीन हंड्रेड कोड कोटैक ने आपका एक फ्लेक्सी हो गया एक डेडिकेटेड मिड एक है लार्ज एंड मिड एक है स्मॉल एक है स्मॉल दो स्मॉल तो फोर थाउजेंड जा रहा है आपका फोर थाउजेंड इन स्मॉल थ्री थ्री थाउजेंड इन लार्ज एंड मेड फोर थाउजेंड इन मेड और फाइव थाउजेंड इन फ्लेक्सी तो ये लार्ज एंड मिड और परिक का जो फ्लेक्सी है इसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा लार्ज कैप का एलोकेशन हो जाएगा आपका आयदर ये रखिए और ये रखिए और जो भी पैसा बच रहा है मान लीजिए पराग पर का पांच हजार रुपये रख रहे हैं और साढ़े तीन हजार को निकाल रहे हैं आप साढ़े तीन हजार निकाल के आप आइर एच डी एफ सी मिड कैप या फिर क्वांट स्मॉल कैप या फिर टाटा स्मॉल कैप में जा सकते हैं क्वांट का तो अभी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को क्वांट का बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है क्वांट के जगह पर आप बंधन या फिर महिंद्रा मानो लाइफ को कंसिडर कर सकते हैं या फिर आई टी आई आई टी आई ये भी अच्छा स्मॉल कैप है इसको भी कंसिडर कर सकते हैं तो आपका मोटा मोटा कौन कौन सा हो गया पराग पर एक फ्लेक्सी सेकेंड है एच डी एफ सी मेड ठीक है तीसरा है टाटा स्मॉल चौथा है क्वांट स्मॉल रख सकते हैं आप या फिर चेंज करके बंधन या फिर महिंदा मानो लाइफ या फिर आईटीआई को ले सकते हैं पांचवा हो गया आपका कोटक आपका नेकसडेक नाज, मुझे उतना पसंद है क्योंकि इंडिया में इतना ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज है और का मार्केट काफी स्टेबल है मतलब एनवीडिया के वजह से बस उथल पुथल हो रहा है वहाँ पर और कुछ नहीं है तो आपको मन है तो रख सकते हैं पाछवा कोटे नैसडेक नाज, मेरे ख्याल से एक सेक्टोरल फंड ले सकते हैं सेक्टरल फंड कौन सा होगा कोई आईटी वगैरह इंडियन आईटी कंपनीज का ग्रोथ अभी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो ये पांचों आप कंसीडर कर सकते हैं इसमें और अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं कोई सेक्टरल फंड में तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी ए गुड ऑप्शन बट इसमें अभी रिसेंटली शॉर्ट टर्म में कोई कोई ग्रोथ नहीं दिखेगा आपको शॉर्ट टर्म के लिए ग्रोथ चाहिए तो आइदर आई आईटी में डाली या फिर फार्मा या फिर नैसडेक कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ पे एन ऐसा एक स्टॉक है जो पूरा मार्केट को ग्रो uh, करवा दे देता है तो यू यू कैन कंटिन्यू विद दिस आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे लेकिन जो भी चेंज करना हो अपने पोर्टफोलियो में तो खुद से रिसर्च करने के बाद ही चेंज कीजिए अभी चलते हैं मेरे पोर्टफोलियो की तरफ या ये वाला मेरा तीन लाख का पोर्टफोलियो है क्वांट मेड कैप कल कल का मार्केट बेसिकली ही था एक्सेप्ट निफ्टी फिफ्टी और मेरा तो मेजर एलोकेशन आल, सब मेड ऑफ स्मॉल कैप में ही है इसलिए पोर्टफोलियो का हालत उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो so 42 परसेंट है मिड कैप क्वांट मिड कैप क्वांट मिड कैप बहुत ही गंदी तरीके से पेट रहा है लास्ट छः महीने से तो पॉइंट जीरो एट परसेंट का नेगेटिव आया है ट्वेंटी ट्वेंटी रुपीज़ का लॉस तो कंपैरेटिवली टू द मिड कैप इंडेक्स ये कम गिरा है क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स का, का काफ़ी ज्यादा एलोकेशन है इसमें अभी तो थर्टी का टोटल प्रॉफिट है आदित्य इतना बिल्ला पी एस नेगेटिव है जीरो पॉइंट टू का लॉस हुआ है सिक्स का टोटल प्रॉफिट है ओसवाल निफ्टी ये ज्यादा गिरा है कम्पेयर टू द स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि जायज़ बात है ये तो गिरना ही चाहिए क्योंकि ज्यादा वोरा स्मालसेंट डाउन गया 219 का है टोटल प्रॉफिट है, है अभी महिंद्र मानूलाई फिफ्टी सिक्स परसेंट है इसका जीरो पॉइंट फोर करीबन इंडेक्स जितना गिरा था वैसा ही गिरा हुआ है टोटल प्रॉफिट है सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड मोते लॉस मिड कैप काफी अच्छे परफॉर्मेंस किया है कंपेयर टू द मिड कैप इंडेक्स जो ये कॉन्ट्रेरियन अप्रोच लेके ही चल रहा है सेवेंटी एक्सआईआर जीरो पॉइंट एट का वन डे राइज है टू फोर्टी का प्रॉफिट है 7700 का टोटल प्रॉफिट है सबसे ज्यादा एक्स इसी का है क्वांट इंफ्रा डाउनसाइड प्रोडक्शन अच्छा दिखाया है ज्यादा नहीं गिरा है जीरो पॉइंट जीरो का लॉस हुआ है टोटल प्रॉफिट है 4000 बंधन स्मॉल कैप 0.28 लेस देन द स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा है 120 स 12 किया, तो तो किया है कल के दिन में तो जीरो पॉइंट सेवन वन परसेंट राइस हुआ है तो हम लोग बता नहीं सकते एक ही दिन का परफॉर्मेंस देख के लक्षण दिख रहा है की एटलीस्ट जिसके लिए जाना जाता था एल्फा

तो ये तो कोई दो रहा है नहीं है क्वांट स्मॉल कैप लगातार छह महीने से बहुत ही गंदी तरह तरीके से पिट रहा है तो ख्याल से आपको क्या करना चाहिए आपको आपको जो भी क्वांट में आप इन्वेस्टिंग कर दिए है अभी तक वगैरह उसको मत कीजिए अगर आपको नया कोई फंड लेना है दो तीन फंड मत लीजिए आयदर बंधन और महिंदा मनो लाइफ और निप जैसे जा, आपने बताया तीन स्मॉल कैप का तीनों बेहतरीन फंड है बेहतरीन रिटर्न्स दे रहा है अभी तो एक आप आप अगर अपना नया एस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ क्वांट

एक एक स्मॉल केस मैनेजर दूसरा स्मॉल केस को फॉलो करता है वहां वहां से जो निकलता है ये लोग पिकअप कर लेता है ये काफी कॉमन चीज है स्मॉल केसेस में जय चौधरी बोल रहे हैं विनियोग इंडिया का रिव्यू कीजिए हाँ मेरे यही लिस्ट में है ऑलरेडी मैं नोट डाउन कर लिया हूँ करूंगा रिव्यू विनियो इंडिया वैल्यू का रिटर्न का रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है ये दिस वालु, वालु, इंडिया वैल्यू इज वेरी अंडर जो वैल्यू स्टॉक्स को पिक करता है इट इज वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउर रिगार्डिंग द वैल्यू बेस्ड अप्रोच नाइस वीडियो थैंक यू सेलफोन ट्रेंड्स बता रहे हैं कि कैन यू प्रोवाइड डिस्काउंट कोड तो ओमनी स्मॉल कैप का वीडियो है ये ओमनी वाले अभी डिस्काउंट देना कूपन कोड देना बंद कर दिया है इनफैक्टर से की तरफ से एकदम स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आया है कि प्रोमोशन और स्मॉल केसेस या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट इस शुड नॉट बी अलाउड इसलिए डिस्काउंट कोड वगैरह मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्मॉल कसे ही बंद कर म्यूचुअल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन फीस वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर करिए मेरा प्रतीक गुण ऑफिशियल मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या फिर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं प्रति गुण ऑफिशियल वहाँ पर हम लोग कुछ डिस्कस कर लेंगे क्या करना है अच्छा शरद ये दोनों कमेंट सेम है शरद बोल रहा है कैन यू सजेस्ट सम बेस्ट स्मॉल कैप्स फॉर टू इयर्स तो बेस्ट स्मॉल कैप्स तो काफी सारे स्मॉल कैप्स हो जाते हैं आपके कॉर्पस के ऊपर डिपेंड करता है आपका

और जी आई मेड कैप क्रो चैंपियन बहुत सारे है यार ऐसे मैं वे में कुछ कुछ बता दिया हूं, तो आप देख सकते हैं uh, right तो, बना भी रहा था शायद मैं रिलीज करूंगा इस हफ्ता तो आई आई वॉन्ट टू सी क्वॉर्न रिसेंट जो अभी आज के दिन में बेसिकली कल के दिन में अच्छा रिटर्न आया हुआ है

the chat and he wants to know, know my location it seems अच्छा, Jimmy instead of Suzylon, which stock should I go for long term renewable energy तो JSW energy JSW KPI green है. ये तीन था और भी बहुत सारे स्टॉक्स है यार मिड और स्मॉल कैप में तो तो रिसर्थ बहुत रिसर्च करना पड़ेगा उतना टाइम तो है नहीं मेरे पास दो तीन जो मेरे दिमाग में था वो बता दिया आपको अच्छा सूर्य बोल रहा है हाई मेरे पास सर्किट है Uh, एक एक ही शेयर है उसमें हाँ मुझे पता है या सब मैक्सिमम लोगों को पता है सर्किट ब्रेकर्स में कौ, कौन कौन सा स्टॉक्स है मतलब एक एक ही स्टॉक है उसका नाम मैक्सिमम लोगों को पता है uh, आप अपना ट्वेंटी परसेंट रिटर्न कम uh, कम लेके चलना स्टॉक स्टार में वो ट्वेंटी परसेंट आपका गवर्नमेंट खा गवर्नमेंट का है तो ट्वेंटी परसेंट गवर्नमेंट का एस लग जाएगा लेकिन मेरा वही ऑफसेट हो जाएगा मेरा जो लॉस बुक किया वो मैं रिसेंटली डिफेंस स्टॉक में तो वही एस और एस का ऑफसेट हो जाएगा तो मेरा उतना दिक्कत नहीं है तो 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 उतना ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा मुझे मुझे। इसके लिए। एक तो एक चीज़ तो अच्छा हुआ का में मुझे। so what is your view? आज का लास्ट ले लेता काफी लो रिटर्न्स वाला स्मॉल केस है मैं इससे थोड़ा सा ज्यादा अगर पैसा खर्च खर्चा करना चाह पाएंगे आप फॉर uh, सब्सक्रिप्शन

दो uh, हजार के ज्यादा राइज हुआ है वन डे का प्रॉफिट हुआ है सेवेंटी का टोटल प्रॉफिट है निपॉन इंडिया मिड कैप ल, मोतिया लॉस हुआ एंड मिड कैप फिर इन्वेस्ट को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ये तीनों ही रेड में है इंफ्रास्ट्रक्चर इनफैक्ट इन्वेस्ट को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है जीरो पॉइंट सिक्स वन कंपेयर टू द क्वानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो देखा था कुछ देर पहले जीरो पॉइंट जीरो टू या जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट डाउन था बस तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव हुआ है बारह सौ रुपए ऑल्ट्रल भी नेगेटिव में चला गया अभी तक ये शायद जून के एंड में इन्वेस्ट किया था तो जुलाई अगस्त तो दो ढाई महीना हो चुका है अभी भी नेगेटिव रिटर्न्स में ही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का साइकिल अभी लग रहा है कि काफी खत्म हो चुका है अभी मेन साइकिल है ऑटो फार्मा एफएमसीजी और आईटी का आईटी मेन है जो भी पैसा कमाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में लगाओ आई पे तो मैं खुद सोच रहा हूँ लगाने के लिए थोड़ा बहुत आई, आई टी में तो देखते हैं बाई नेक्स्ट मंथ आई प्रोबली पुट सम मनी मोतिया लॉस का वहीं पर लार्जर हालांकि मोतिया लॉस का मिड कैप काफ़ी राइज हुआ था लेकिन लार्जर मिड कैप का वहीं पर बहुत ही सारा डाउन है जीरो पॉइंट सेवन थ्री परसेंट ये इंडिया भी डाउन है और लास्ट में एच डी एफ सी मिड कैप ठीक ठाक राइज हुआ है जीरो पॉइंट वन थ्री परसेंट तो टोटल वैल्यू फोटी टू और टोटल का बात करते हैं यहाँ पर एट लाख नाइन थाउजेंड इन्वेस्टेड है टोटल वैल्यू है टेन लाख थर्टीन

आज से एक ही वीडियो आएगा म्यूचुअल फंड का और एक वीडियो आएगा रात को स्मॉल केस का थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वेरी गुड